राजधानी जयपुर में श्याम जूस सेंटर पर फूड सेफ्टी विंग ने छापेमारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिली। जूस निकालने वाली मशीनों पर फफूंद जमा था, सड़े गले फलों का जूस बेचा जा रहा था। अधिकारियों के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। इस दौरान जूस सेंटर का स्टाफ आनन फानन में सारी चीजें साफ करने में जुट गया। अधिकारियों ने मौके से सैंपल कलेक्ट किए हैं, साथ ही साथ संचालक को भी नोटिस दिया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत राजस्थान के अलग अलग इलाकों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई जारी है। आज जयपुर के प्रसिद्ध श्याम जूस भंडार, जो कि बगड़िया भवन में स्थित है, वहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम जो है वहां पर पहुंची है और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा था कि जब ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे, इस पूरे जूस सेंटर में भारी पैमाने पे अनियमितता, गड़बड़ी, गंदगी जो है वो देखने को मिली थी। अभी ये सारे सैंपल्स जो है यहाँ पे अलग अलग जूस के वो लिए गए हैं और इन सारे सैंपल्स की अब जाँच होगी। जो अधिकारी हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं और सारी कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। और क्योंकि ये ऐसी दुकान है जहाँ पर हज़ारों कस्टमर्स जो है वो हर दिन आते हैं और लोग यहाँ पर जूस पीना पसंद करते हैं, और यहाँ पर ऐसी गड़बड़ी और इस तरह की जो गंदगी मिली है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, क्या कुछ मिला है आप लोगों को यहाँ पर, जब आप लोग यहाँ पर कार्रवाई के लिए आए? यहाँ का निरीक्षण करने पर पाया कि अंदर बहुत सी गंदगी पड़ी है, कई फ्रूट्स ऐसे हैं सड़े गले थे जिनको हमने डिस्ट्रॉय करवाया है, और इसके अलावा हमने दो सैंपल लिए हैं, एक पपीता सेक का और एक मौसमी जूस का, जिनको लेब में जमा कराएंगे और लेब के अंदर रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की गंदगी आपने देखी सर, जब आप लोग यहाँ पर आए सर, तो किस तरह की गंदगी आप लोगों को दिखी और क्या कुछ इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर आगे? सर, हम शिकायत के आधार पे आज यहाँ पपाया जूस सेंटर पे पहुँचे, इसका निरीक्षण किया गया। प्राइमरी तौर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी, अंदर इसकी टेबल है खराब थी, कचरा जमा हुआ था, सड़े गले फल फ्रूट वहीं रखे हुए थे, फ्रिजों के अंदर बदबू आ रही थी जिनमें फंगस लगी हुई थी, जिसके लिए हमने इनको नोटिस जारी किया है, सड़े गले फल फ्रूट्स को फेंकवाया है और इनके द्वारा जो बेचा जा रहा जूस उसके सैंपल लिए हैं और साफ सफाई के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। इस पर कार्रवाई होगी, सैंपल रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम अनुसंधान जारी है, कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी? कल भी आप लोगों ने बड़ी कार्रवाई की, कल भी आप लोगों ने वहाँ पर जयसिंहपुरा खोर में जहाँ पर नकली घी बनाया जा रहा था वहाँ पर बरामदगी हुई। लगातार हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है उस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, आगे इस पर किस तरह का एक्शन होगा? जी सर, कल हमारी जो जयसिंहपुरा खोर में कार्रवाई थी उसमें दो तरह की कार्रवाई हुई है। एक तो सरस डेयरी की ओर से उन पर FIR दर्ज करवाई गई है जिसपे उस मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया और एक FSSAID के अंदर क्वालिटी में सैंपल लिए गए। वो वहाँ पे नकली घी पैक करके और बना के बेच रहा था, जिसके पूरे माल को 1000 लीटर को सीज कर दिया गया। हमारे विभाग द्वारा प्रतिदिन प्राप्त शिकायतें या अन्य हमारे सोर्सेज से जहाँ भी पता चलता है, हम प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं। की कार्रवाई की रिपोर्ट आने के पश्चात संबंधित न्यायालय में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, जो माननीय न्यायालय द्वारा उन पर सजाएं दी जाती है। बावजूद इसके आपकी कार्रवाई भी चल रही है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जूस जो है वो पी रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध दुकान है, बड़ी संख्या में कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं, तो कैसे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या उपाय कर पाएंगे लोग? सर, लोग तो क्या कर सकते हैं, जैसे ग्राहक तो बाहर से चला जाता है, अक्सर जो गंदगी होती है वो अंदर होती है, फ्रिज में होती है, कटे फटे होते हैं, तो कभी कभार के आप लोगों को कह देना भी चाहिए कि सर अंदर से आप दिखाओ आपका अपना साफ है कि नहीं है, क्योंकि जो आदमी अपना सामान बेचेगा उसको दिखाना भी पड़ेगा, तो आप अंदर जाके देख सकते हो भाई ज़्यादा मात्रा में तो नहीं कटे उठे। ये सलाद और फ्रूट से चीज़ है, अगर उनको ज़्यादा देर रखा जाता है तो वातावरण की नमी से, गंदगी से ये ख़राब हो जाते हैं, अगर वो जूस आप पियोगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी, इसलिए आपको देख के और ताज़ा बनवा के, ताज़ा कटवा के ही काम में लेना चाहिए। क्या दिखा, कितने पुराने फल वगैरह यहाँ पर थे? पुराने का तो पता नहीं चलता, वो सड़े हुए गले हुए थे ना, जो इनके फल फ्रूट रखे हुए थे उसमें काफ़ी मात्रा में सड़े गले थे, जिनको हमने निकलवाया, वो निकलवा के डिस्ट्रॉय नष्ट करवाया। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तरफ से लगातार मिलावट पर वार अभियान के तहत जो ये सारी कार्रवाई है वह की जा रही है। अगर पिछले सिर्फ 2 महीने की बात करें तो 50,000 से अधिक लीटर जो है तेल, घी जैसी मिलावटी चीज़ें जो हैं वह बरामद की गई हैं, और इसके साथ साथ अलग तरह का अभियान चल रहा है। जो दुकान के संचालकों में से एक हैं आप, हैं यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध दुकान है आपके, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की जो शिकायत मिली है, क्यों इतनी बड़े पैमाने पे गंदगी और गड़बड़ियाँ थी आपके यहाँ? हम तो काम करते हैं, इधर तो आए थे जूस पीने के लिए आए थे हम। ये आप तो अंदर थे अभी? हाँ, मैं अंदर गया था ना। अच्छा, आप यहाँ सिर्फ जूस पीने आए थे? हाँ। आप यहाँ अक्सर आते हैं जूस पीने? हाँ, आते हैं।
तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ आप अक्सर आते हैं लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर गंदगी थी, आप फिर दोबारा आना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहेंगे। ये कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, और आप ये बताइए कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अभी आपने इतनी बड़ी गंदगी जो है यहाँ पर फैला रखी है सब बताया जा रहा है, तो क्या कुछ आप लोग अब आप लोग करेंगे? साफ सफाई ध्यान रखेंगे। अब तक नहीं रख रहे थे आप सब साफ सफाई का ध्यान? आगे से रखेंगे। तो ये जाहिर तौर पे कई सारे चीज़ें जो है वो बता रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर की तस्वीर देखिए आप किस तरह की है, कितनी गंदगी जो है अभी भी यहाँ पर, ये इसको पूरे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जब एक घंटे पहले से ये कार्रवाई चल रही है तब ये तस्वीर जो है वो क्या रही होगी ये आप समझ सकते हैं। पूरी तरह से अगर देखें तो गंदगी जो है हर जगह पर फफूंद इतनी जमी हुई है, जो मशीनें अंदर हैं उस पर वो साफ लग रहा है कि बहुत लंबे वक्त से इस पूरे परिसर की साफ़ सफाई जो है वो नहीं हुई है। तस्वीरें या हालात बयां करने को काफ़ी हैं। जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी में ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको साफ़ किया जाए, और क्योंकि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम है उसके अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उन सब के बाद भी सवाल यही उठता है कि जब इतने बड़े बड़े नामी दुकानों की ये हालत है तो जाहिर तौर पे कस्टमर, आखिर लोग जो जूस पीना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ करना चाहते हैं वो किन जगहों पर आकर के किन दुकानों पर विश्वास करें। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50,000 से अधिक लीटर जो घी और तेल है वो पिछले 2 महीने के अंदर बरामद किया गया, 60,000 के आसपास का। उसके साथ ही साथ अलग अलग बड़े बड़े दुकानों पर, बड़े बड़े जो प्रमिसेस हैं उन पर कार्रवाई हुई है। इससे लोगों के मन में विश्वास जरूर जमा है, लेकिन सवाल आखिर वही है कि आखिर कोई भी कहीं पीने खाने जाने से पहले कैसे तय करे कि वह सुरक्षित है उसके लिए या फिर नहीं है। जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ NDTV के लिए सोमू आनंद।